हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स के दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक क्वेश्चन थ्री है और एक क्वेश्चन फोर है। तो क्वेश्चन थ्री में क्या क्या चीज़ें कवर हुई है, एक तो शेयर्स है इशूड एट प्रीमियम है, दूसरा उसमें फोरफीचर ऑफ शेयर्स हैं और उसके बाद उसी शेयर को रीइशू भी किया है, एंड देन फाइनली देर इज़ ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। क्वेश्चन फोर में प्रो रेटा अलॉटमेंट हमने किया हुआ है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कैसे एडजस्ट करेंगे और एक्सेस एप्लीकेशन उसके बाद भी अगर रहेगा तो उसको कैसे रिफंड करेंगे। तो क्वेश्चन थ्री एंड फोर, लेट अस स्टार्ट द वीडियो, लेट अस स्टार्ट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो आप ज़रा सा क्वेश्चन ब्रीफ में अपने पास लिख लीजिएगा ताकि जब सॉल्यूशन हम देखें तो आपको समझ आ जाए। सो हियर इज द क्वेश्चन, लॉटपॉट लिमिटेड इश्यू 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर उन्होंने इशू किया है एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर शेयर, आई एम सॉरी एट द रेट ऑफ 10 रुपीज और 2 रुपया प्रीमियम है, तो ये इशू एट प्रीमियम है। 4 रुपीज ऑन अलॉटमेंट, 4 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 5 रुपीज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपीज। तो ये जो 5 रुपीज है ना उसको मैं कैसे लिखूंगा पता है, 3+2 लिखूंगा। 3+2 इसलिए कि 2 रुपया प्रीमियम जो है वो हमेशा ऐसा अज्यूम किया जाता है कि वो अलॉटमेंट के साथ है, तो जो 5 रुपया हम मांगेंगे उसमें से 2 रुपया प्रीमियम का है और 3 रुपया जो फेस वैल्यू है उसका है। एप्लीकेशन वॉज रिसीव्ड फॉर एग्जैक्टली 10,000 शेयर्स, बहुत बढ़िया भाई, 10,000 शेयर हम इशू करना चाहते हैं, 10,000 का एप्लीकेशन आया। व्हेन अलॉटमेंट मनी वॉज कॉल्ड, मिस्टर शैलेश वॉज होल्डिंग 300 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी, उन्होंने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए एंड ही शेयर्स वर इमीडिएटली फोरफीटेड। ये पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इमीडिएटली फोरफीटेड मतलब अलॉटमेंट के स्टेज पे ही उसके शेयर फोरफिट कर दिए, फाइनल कॉल तक हमने वेट नहीं किया, दैट्स इट। देखो इधर लिखा है बिफोर मेकिंग फाइनल कॉल, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, मेनी स्टूडेंट्स मेक मिस्टेक हियर। व्हेन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड, वर्षा हैविंग 200 शेयर फेल्ड टू पे, ऑन हर फेलियर टू पे द फाइनल कॉल हर शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड, लेटर ऑन ऑल द फोरफिटेड शेयर, ऑल द फोरफिटेड मतलब शैलेश के 300 प्लस वर्षा के 200, मतलब एंटायर 500 शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 फुल्ली पेड, मतलब 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में हमने इशू कर दिया, दैट्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 1 रुपी, पास जर्नल इन द बुक्स ऑफ लॉटपॉट लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा ब्रीफली अपने दिमाग में याद रखिएगा, आइए आपको सोल्यूशन पर लेके जाते हैं। इधर पूरे क्वेश्चन का एक समरी मैंने बना के रखा है आपके लिए, तो यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड दैट इज 10,000 और नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इवन दैट इज 10,000, है ना, जितना शेयर हमने इश्यू किया था उतना ही अप्लाई हुआ उतना ही एलोकेट हुआ। इधर हमने ये बाइफर्केशन किया है, एप्लीकेशन का 4 रुपीज है, अलॉटमेंट का 3+2 लिखा हुआ है और फर्स्ट कॉल का 3, तो 10 रुपी फेस वैल्यू है प्लस 2 रुपया प्रीमियम है। शैलेश ने 300 शेयर थे उसके पास, एप्लीकेशन के सामने ये लिखा हुआ है रिसीव्ड, अलॉटमेंट के सामने लिखा हुआ है नॉट रिसीव्ड और फिर तुरंत यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके मैंने लिख दिया है फोरफीटेड बिफोर फर्स्ट कॉल। वर्षा के लिए 200, एप्लीकेशन रिसीव्ड, अलॉटमेंट रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल नॉट रिसीव्ड और फिर लिखा है फोरफीटेड एंड देन ऑल 500 शेयर्स वर रीइश्यू। तो आइए यहाँ पे एंट्री सीखते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में बच्चों एक क्वेश्चन में डेट्स नहीं दिए हैं ना, तो डेट्स अगर नहीं दिए हैं, लेट मी गो आउट ऑफ द फ्रेम, या सो डेट्स अगर नहीं दिए हैं तो हम सीरियल नंबर लिखेंगे डेट के कॉलम में। तो बैंक में हमारे पास एप्लीकेशन में कितने पैसे आए, तो 10,000 शेयर हमने इशू किए थे और पर शेयर हमें 4 रुपया मिलने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन क्रेडिट होगा, ये हमारा पहला स्टेज है। तो यहाँ पे वर्किंग हमने बनाया है, आप इस वर्किंग को ऐसे पर्टिकुलर्स में ही ब्रैकेट में भी लिख सकते हो जब आप सॉल्व कर रहे हो, वर्किंग का कॉलम अलग से बनाने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने वर्किंग आप समझ में आए इसके लिए आपके लिए बनाया हुआ है। तो बैंक टू एप्लीकेशन, बैंक में डेबिट करेंगे, एप्लीकेशन को क्रेडिट करेंगे 10,000 शेयर इंटू 4 रुपया। बच्चों एक याद रखना, यहाँ पे
कैपिटल में क्रेडिट नहीं हुआ है, क्रेडिट हमने किया है एप्लीकेशन अकाउंट को। सेकेंड स्टेज हमारा क्या है, आपने पहले वीडियोस में थियरी में सीख लिया होगा कि स्टेप्स क्या होते हैं। तो सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी टू कैपिटल, मतलब हम जिन्होंने अप्लाई किया ना उनको अभी हम शेयर अलॉट कर रहे हैं, तो अब वो हमारे शेयर होल्डर बन रहे हैं। अभी तक तो एक एप्लीकेंट ही थे, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं डेबिट कर दूंगा और उतना ही अमाउंट को मैं कैपिटल में ट्रांसफ़र कर दूंगा। तो 40,000 एप्लीकेशन से कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया। अगर आप नोट करें तो ये एप्लीकेशन अकाउंट 40,000 क्रेडिट और 40,000 डेबिट, ये कैंसल आउट हो जाता है। हर स्टेप पे बच्चों आपको ये चेक पॉइंट रखना है कि नेक्स्ट एंट्री करने के पहले एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो जाना चाहिए, ज़ीरो हो जाना चाहिए। अब अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये कौन से स्टेप का एंट्री है, तो यहाँ पे हम शेयर होल्डर से पैसा मांग रहे हैं। अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसा पहले नहीं आ रहा है तो पैसे मांगने का क्या एंट्री है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट करेंगे 10,000 × 5। एक चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, दैट शेयर कैपिटल अकाउंट विल ऑलवेज बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो जो 5 रुपया हम मांग रहे हैं 50,000, उसमें से 3 रुपया कैपिटल का है, 2 रुपया प्रीमियम का है। सो डोंट डायरेक्टली ट्रांसफ़र एंटायर 5 रुपीज़ टू कैपिटल, कैपिटल में सिर्फ फेस वैल्यू जाना चाहिए। इसीलिए 10,000 × 3, 30,000 हमने कैपिटल में डाल दिया और 10,000 × 2, 20,000 हमने सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दिया। ठीक है, नरेशन कैसे लिखा जाता है आप इस इधर से देख लीजिएगा। बींग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट 5 per share इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ 2 एज पर बोर्ड रेजोल्यूशन नंबर एंड डेटेड। तो ये तो हमेशा ब्लैंक ही आएंगे, बट प्रैक्टिकली बोर्ड डिसाइड करेगा कब अलॉटमेंट मनी चाहिए, और वो जो मीटिंग का रेजोल्यूशन होगा वो नंबर और डेट यहाँ पे लिखना पड़ता है। क्या सभी लोग पैसा दे रहे हैं, दैट द नेक्स्ट स्टेज। तो आइए देखते हैं हमारा ऊपर का वर्किंग। तो मिस्टर शैलेश जो हैं, जिनके पास 300 शेयर्स हैं, वो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहे हैं, है ना। तो अलॉटमेंट के पैसे नहीं दे रहे हैं तो फिर एंट्री क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट आ जाएगा 9,700 शेयर्स, 10,000 में से 300 निकाल देंगे हम। जो शैलेश 300 शेयर का पैसा नहीं दे रहे हैं उसको एक टेम्पररी अलग अकाउंट में डाल देंगे, जिसका नाम हमने दिया कॉल्स इन एरियर्स, और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरा क्रेडिट हो जाएगा 50,000। एक और बार, 50,000 हमें लेने हैं, 300 शेयर पे 5 रुपया हमें नहीं मिला है तो हमने उसको कॉल्स इन एरियर्स में डाल दिया, और 9,700 शेयर पे हमें 5 रुपया मिल गया है तो उसको हमने बैंक में डाल दिया। ठीक है, तो अगेन नोट करिएगा, इधर अलॉटमेंट 50,000 से डेबिट हुआ था और अभी यहाँ पे अलॉटमेंट 50,000 से क्रेडिट हुआ। तो सेकेंड स्टेज पे जाने के पहले अर्लियर स्टेज का अकाउंट ज़ीरो कर देने का, एप्लीकेशन पहले कर ज़ीरो कर दिया, अलॉटमेंट अभी ज़ीरो कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेज क्या है, तो बच्चों क्वेश्चन में बोला गया था कि इमीडिएटली शैलेश के शेयर हमने फोरफिट कर दिए, तो पहले शेयर फोरफिट करना पड़ेगा। जब हम शेयर इशू करते हैं तो शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है, और जब हम शेयर कैंसिल करते हैं तो शेयर फोरफिटेड डेबिट होता है। तो हम 300 शेयर्स जो हैं शैलेश के, उसको कैंसिल कर रहे हैं। बच्चों एंट्री ये करने के टाइम बहुत ध्यान देना है, शेयर कैपिटल अभी कॉल्ड अप कितना है, मैंने आपको बताया था, एक और बार रिपीट करता हूँ, शेयर कैपिटल डेबिट या क्रेडिट होता है विथ कॉल्ड अप फेस वैल्यू। तो इस स्टेज पे हम अभी तक सिर्फ अलॉटमेंट के ही पैसे मंगाए हैं, और अलॉटमेंट के स्टेज तक हमारा फेस वैल्यू कितना है, कॉल्ड अप फेस वैल्यू, तो हमारा कॉल्ड अप फेस वैल्यू है 4 रुपीज़ और 3 रुपीज़, है ना। अभी तक ये जो फाइनल कॉल है हमने मंगाया नहीं है, तो कॉल्ड अप फेस वैल्यू से डेबिट करेंगे, विच इज़ 300 × 7, दैट इज़ 2,100। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए आपने थियरी के वीडियो में सीखा होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम अगर नहीं मिला है तो उसको डेबिट किया जाता है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अलॉटमेंट में था और शैलेश ने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए हैं, तो क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे नहीं मिले हैं हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भी डेबिट करेंगे। शेयर फोरफिटेड को हम क्रेडिट करेंगे कितने अमाउंट से, जितना पैसा हमें मिला है। तो हमें सिर्फ एप्लीकेशन के पैसे मिले हैं 4 रुपये, तो 300 × 4 हमने
शेयर फोरफिटेड में डाल दिया, और जो कॉल्स एंड एरियर्स है जो कि अलॉटमेंट में पैसे मिले हैं 5 रुपीज़ नहीं मिले हैं, उसको हमने कॉल्स एंड एरियर्स को कैंसिल कर दिया। तो एक और बार रिपीट करता हूँ, शेयर कैपिटल को डेबिट किया विद द कॉल्ड अप फेस वैल्यू, सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट किया क्योंकि हमें शैलेश के 300 शेयर पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला है, फिर शेयर फोरफिटेड को क्रेडिट किया। शेयर फोरफिटेड का मतलब जितना पैसा हमें शैलेश ने दिया है वो अभी हमने जब्त कर लिया, हम उसको रिटर्न नहीं करेंगे वो पैसे। और फिर कॉल्स एंड एरियर्स जो पहले थे, पहले हम शैलेश से पैसे मांगने वाले थे इसीलिए उसको डेबिट करके रखा था, अब हम उससे पैसे नहीं मांगेंगे भविष्य में, फ्यूचर में, तो कॉल्स एंड एरियर्स को हमने कैंसिल कर दिया। तो आप नोट करें तो ये 1500 डेबिट और ये 1500 क्रेडिट कैंसिल हो गया है, ठीक है। चलिए इसके बाद का स्टेज है फर्स्ट कॉल के पैसे मांगना। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स आप लोग मिस्टेक कर सकते हो, हमारे इश्यूड शेयर 10,000 थे पर उसमें से 300 शेयर हम फोरफिट कर चुके हैं, तो अभी हमारे इश्यूड शेयर्स हैं सिर्फ 9,700। तो जो कॉल मनी है वो 9,700 इंटू 3 पर शेयर होगा, एंट्री होगा इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 9,700 इंटू 3। अब क्या कॉल मनी सभी लोग दे रहे हैं? क्या नहीं दे रहे हैं? तो पूजा जो है, नहीं वर्षा जो है, जिनके पास 200 शेयर्स हैं, है ना, इधर हमने स्टार्टिंग में देखा था शी इज नॉट पेइंग द कॉल मनी, तो 200 शेयर्स पे कॉल मनी वो पे नहीं कर रही है वर्षा, और कितना पैसा नहीं दे रही है, 3 रुपया पर शेयर। तो 29,100 आना चाहिए था यहाँ पे टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, 29,100, उसमें से कॉल्स एंड एरियर्स निकाल दें तो बैंक में हमारे पास 28,500 रुपीज़ आएगा। आई विल रिपीट, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 29,100 यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, बैंक में कितने पैसे आए, 9,500, और 9,700 में से वर्षा के 200 कॉल निकाल दिए और उसको हमने कॉल्स एंड एरियर्स में लिख दिया। अब वर्षा के शेयर भी हम कैंसिल कर रहे हैं। अब जब वर्षा के शेयर कैंसिल कर रहे हैं तो पहला क्वेश्चन, अभी हमारा कॉल्ड अप फेस वैल्यू कितना है? तो अभी कॉल्ड अप फेस वैल्यू 10 रुपया है, तो पूरा 10 रुपया डेबिट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, क्या सिक्योरिटी प्रीमियम हमें मिला है वर्षा के शेयर का? तो आंसर है हाँ मिला है, तो फिर हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि वो मिल चुका है। शेयर फोरफिटेड में क्रेडिट करेंगे 1400, और कॉल्स एंड एरियर्स अभी हम नहीं रखेंगे हमारे बुक्स में इसलिए उसको क्रेडिट कर देंगे 600। शेयर फोरफिटेड कौन सा अमाउंट है बच्चों? तो उसने फेस वैल्यू के जितने पैसे दिए हैं ये 7 रुपये, उसने एप्लीकेशन के 4 रुपये दिए, अलॉटमेंट के 3 रुपये दिए, तो वो 7 रुपये जो मिले हैं वो हम शेयर फोरफिटेड में डालेंगे। एक्चुअली वर्षा ने 9 रुपये दिए हैं पर 9 में से कैपिटल का 7 रुपया है, प्रीमियम का 2 रुपया है, तो प्रीमियम के 2 रुपए को हम टच नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो ऑलरेडी मिल चुका है। तो एक और बार फेस वैल्यू 10 रुपए से डेबिट किया, जितना कैपिटल का पैसा है 7 रुपए वो क्रेडिट किया, और जो कॉल का पैसा नहीं मिला है वो हमने क्रेडिट किया, ठीक है। तो ये हो गया वर्षा के शेयर कैंसिल करने का एंट्री। अब हम सारे 500 शेयर्स हम रीइश्यू कर रहे हैं, तो 500 इंटू 9, 4,500 बैंक में डेबिट होगा। फिर जो पैसे नहीं मिल रहे हैं, 500 रुपीज़ हमें नहीं मिल रहे हैं, वो हम शेयर फोरफिटेड को डेबिट करेंगे, और इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट होगा पूरे 5,000 रुपये से, क्योंकि कैपिटल हमेशा फेस वैल्यू से क्रेडिट होता है। तो कैपिटल को क्रेडिट किया तो 500 इंटू 10 मतलब 5,000 रुपीज़। अब क्योंकि सारे शेयर रीइश्यू हो चुके हैं तो हम जितना भी पैसा बचता है उसको शेयर फोरफिटेड में से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो हमारा पहला शेयर फोरफिटेड कितना था फ्रेंड्स? पहला शेयर फोरफिटेड था हमारा 1200 रुपीज़, दूसरा शेयर फोरफिटेड कितना है, 1400 रुपीज़, तो टोटल 2600 है, उसमें से 500 का लॉस हो गया है, तो नेट 2100 का हमारा फायदा हुआ है जिसको हम शेयर फोरफीचर अकाउंट से कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे 2100। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का एज वेल एज आंसर का लिंक जो पीडीएफ है वो मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, सो यू कैन हैव अ लुक एट इट एंड रिवाइज दिस इफ रिक्वायर्ड, ठीक है। एनी डाउट्स दैट यू हैव यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4
ये हमने मॉड्यूल से लिया है, ये मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 7 है. तो ये प्रोरेटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा आप क्वेश्चन को. हाँ, जेएचपी लिमिटेड इज अ कंपनी विथ एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज 10 लाख. फ्रेंड्स, ये रुपीज है या शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स, उसको ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो ये रुपीज 10 लाख बोल रहे हैं, रुपीज 10 लाख शेयर्स, इन इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ विच 6 लाख शेयर्स वर ऑफ विच रुपीज 6 लाख शेयर्स वर इश्यूड एंड फुल्ली पेड ऑन 30 जून 2016. द कंपनी प्रपोज टू मेक, आई थिंक यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है फ्रेंड्स, सो ये रुपीज नहीं है, ओके, क्योंकि फिर वो मैच नहीं हो रहा है, ये भी रुपीज नहीं है, आई एम सॉरी फॉर दिस कन्फ्यूजन. या सो 10 लाख शेयर्स हैं 10 रुपए के, उसमें से 6 लाख शेयर वो ऑलरेडी इशू कर चुके हैं, उसका एंट्री हमें नहीं करना है, वो तो भूतकाल में इशू हो गया है, अभी किसका इशू कर रहे हैं देख रहे हैं. द कंपनी प्रपोज टू मेक अ फर्दर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच. 1 लाख शेयर्स हम अभी इशू कर रहे हैं, ये रहे 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच एट अ प्राइस ऑफ 14, मतलब इधर 4 रुपया प्रीमियम है. द अरेंजमेंट फॉर द पेमेंट बींग 2 रुपीज वर पेएबल ऑन एप्लीकेशन 1 जुलाई 2016 को, अलॉटमेंट टू बी मेड ऑन 10th जुलाई, अ फर्दर 5 per share इंक्लूडिंग द प्रीमियम टू बी पेएबल. उसके बाद फाइनल कॉल फॉर द बैलेंस टू बी मेड एंड द मनी टू बी रिसीव्ड ऑन 30th अप्रैल 2017. तो एक और बार रिवाइज करते हैं, एप्लीकेशन में 2 रुपया मंगाएंगे हम, उसके बाद अलॉटमेंट में 5 मंगाएंगे, बट आई विल राइट इट एज 1+4, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि 5 रुपए में प्रीमियम भी इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम 4 रुपए अलग करेंगे और फेस वैल्यू का 1 रुपया अलग करेंगे. तो फर्स्ट कॉल में कितने पैसे मंगाएंगे हम, बैलेंस बोला है, मतलब बैलेंस 7 रुपया हम फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगाएंगे. एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 3,55,000 शेयर, बहुत अच्छी बात है, 1 लाख शेयर ही हम बेचना चाहते थे पर हमें एप्लीकेशन मिले 3,55,000 शेयर्स के. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेबी वी कांट कीप द एक्सेस मनी विथ अस, मतलब ऐसा नहीं कि अच्छा चलो इतने सारे शेयर का एप्लीकेशन आ गया तो ये पैसे रख लेते, ना, दैट इज नॉट अलाउड. तो आप सिर्फ 1 लाख शेयर ही अलॉट कर सकते हो, ठीक है. तो देखते हैं कंपनी ने कैसे डील किया इसको. एप्लीकेंट्स फॉर 5,000 शेयर वर रिसीव्ड अलॉटमेंट इन फुल. तो इन्होंने क्या किया, जरा ध्यान से सुनिएगा. हाँ, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल ऐसा है कि मान लो एक फ्रेंड है जो 3 फ्रेंड्स अर अदर, वो तीनों जो है 10 विशेस लेके भगवान के पास जाते हैं. पहले फ्रेंड के 10 में से 10 विश अप्रूव हो जाते हैं, भगवान बोलते हैं जा तथास्तु, तेरे सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे. दूसरे फ्रेंड के 10 में से 1 ही विश कंप्लीट होता है, और तीसरे फ्रेंड के 10 में से 5 विश कंप्लीट होते हैं. तो ये जो बाकी के जो सेकंड और थर्ड फ्रेंड है ना, उनको भगवान ने पूरे पूरे विश को तथास्तु नहीं बोला, प्रोरेटा अलॉटमेंट किया. प्रोरेटा अलॉटमेंट मतलब जितने वो अप्लाई कर रहे थे, जितने विश मांग रहे थे, उतने उनको तथास्तु नहीं बोला, उनके लिए अलॉटमेंट नहीं किया. ऐसे ही कुछ यहाँ पे भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किया है. सो लेट अस स्टडी फर्दर कि यहाँ पे क्या हुआ है. तो पहले 5,000 शेयर जिन्होंने अप्लाई किए थे उनको पूरे 5,000 मिल गए. एप्लीकेंट्स फॉर 30,000 शेयर्स, तो 30,000 शेयर्स वाले जो एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या मिला, तो एन अलॉटमेंट ऑफ 1 शेयर फॉर एवरी 2 अप्लाइड फॉर, मतलब उन्होंने 2 शेयर मांगे हैं तो उनको बदले में 1 शेयर मिला. तो इसका मतलब 1 शेयर के पैसे एक्स्ट्रा कंपनी के पास बचेंगे. तो आगे बोल रहे हैं, नो मनी वॉज रिटर्न टू दीज एप्लीकेंट्स एंड द सरप्लस ऑन एप्लीकेशन बींग यूज टू रिड्यूस द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट. तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वो ही मैं वो भगवान का एग्जाम्पल लेके आगे जाता हूँ सिर्फ समझाने के लिए. तो मान लो जो सेकेंड फ्रेंड है ना, वो 10 विशेज लेके गया भगवान के पास, ठीक है, 10 विश लेके गया, और 10 विश के लिए वो 10 किलो पेड़ा लेके गया, भगवान को रिश्वत देने. अब भगवान ने
यहाँ पे बोला है वन शेयर फॉर एवरी टू, मतलब उसने पांच विश भगवान ने अप्रूव कर दिए तथास्तु। तो पांच विश के पांच किलो पेड़े हो गए। अब पांच किलो पेड़े भगवान के पास एक्स्ट्रा पड़े हैं। अब भगवान बोलते हैं कि ये क्या करूं, पांच किलो पेड़े तेरे को रिटर्न कर दूं क्या? और फिर भगवान ही बोलते हैं नहीं, काम करिए, मेरे पास रहने दे, तू वापस तो आएगा दूसरे विश लेके। तो उस टाइम पे ये पेड़े एडजस्ट कर देंगे हम, ठीक है? तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, नाउ कमिंग बैक टू फिगर्स, जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो रिफंड नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे पास रहने दो। अलॉटमेंट में ऐसे भी आपसे पैसे लेने हैं तो उस टाइम पे हम ये पैसे एडजस्ट कर देंगे। थर्ड कैटेगरी देखते हैं, यह है 320,000 शेयर्स का, रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फोर अप्लाइड फॉर। अब इधर थोड़ा इनको और नाराज किया भगवान ने। अगर ये लोग 10 एप्लीकेशन लेके गए थे तो इनको सिर्फ 2.5 मिला, मतलब चार शेयर पे एक शेयर मिल रहा है ना, फोर शेयर्स पर वन शेयर। तो 10 तो एग्जाम्पल था हमारा समझने के लिए, तो 10 शेयर अगर अप्लाई कर रहे हैं तो ढाई शेयर मिलेंगे। फॉर अ चेंज अज्यूम करते हैं 12 शेयर अप्लाई करेंगे तो 3 शेयर्स मिलेंगे। तो इसका मतलब 12 किलो अगर हमने पेड़े दिए, भगवान ने 3 किलो पेड़े ले लिए, 9 किलो पेड़े उनके पास एक्स्ट्रा बचे हैं। तो वो भगवान जो अलॉटमेंट है उसके साथ एडजस्ट करेंगे, और उसके बाद भी अगर एक्स्ट्रा बच जाते हैं तो क्या, लेट अस रीड फर्दर। एप्लीकेंट्स फॉर 320,000 शेयर रिसीव्ड एन अलॉटमेंट ऑफ वन शेयर फॉर एवरी फोर अप्लाइड फॉर, मतलब चार शेयर अप्लाई किए हैं तो एक ही शेयर मिलेगा। द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिटेन्ड बाय द कंपनी एंड द एक्सेस बींग रिटर्न टू द एप्लीकेंट्स। तो भगवान ने बोला भाई अलॉटमेंट तक मैं एडजस्ट कर दूंगा, उसके बाद भी अगर कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो वो पेड़े तेरे को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है? इसका कैलकुलेशन पूरा हमने एक एक्सेल शीट में किया है, तब आपको वापस रिवाइज करेंगे, सो डोंट वरी विथ लॉट ऑफ कैलकुलेशन। द मनी ड्यू ऑन फाइनल कॉल वॉज रिसीव्ड ऑन द ड्यू डेट, यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ JHP लिमिटेड। सो कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड एंड लेट मी टेक यू टू द सोल्यूशन। तो मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि है ना, आप जो वीडियो को ना पॉज करके ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन पहले कॉपी कर लेना, मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि सारी जर्नल एंट्रीज है ना ये कैलकुलेशन के ऊपर है। तो देखते हैं, नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड कितने हैं स्टूडेंट्स, 355,000 है नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। जैसे मैंने पहले बताया कंपनी 355,000 शेयर अलॉट नहीं कर सकती है, तो उन्होंने कितने शेयर अलॉट किए हैं, 100,000 शेयर ही अलॉट किए हैं, ठीक है? एप्लीकेशन का पैसा 1 जुलाई को मिलना था 2 रुपया, अलॉटमेंट का पैसा 10 जुलाई को मिलना था 1 रुपया और प्लस 4 रुपया प्रीमियम, फर्स्ट कॉल के पैसे 30 अप्रैल को मिलने हैं 7 रुपये, सो टोटल है 10 प्लस 4। इस क्वेश्चन में कुछ भी कॉल सिनेरियोस वाला फंडा नहीं है। चलिए, तो क्वेश्चन में जैसे तीन कैटेगरीज दिए हैं वैसे हमने तीन कैटेगरी डिवाइड किए हैं। कैटेगरी वन, रेशियो ऑफ अलॉटमेंट मैंने लिखा है 1:1, सॉरी, मतलब जिसने वन शेयर अप्लाई किया उसको एक शेयर मिला। कैटेगरी टू, सेकेंड फ्रेंड, जिसने 2 शेयर अप्लाई किया तब जाके 1 शेयर मिला। और कैटेगरी थ्री, जिसमें 4 शेयर अप्लाई किए और 1 शेयर मिला। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड 5,000, इनको बदले में कितने शेयर अलॉट किए, 5,000, 1:1। इधर 30,000 शेयर को 2 के बदले 1, मतलब इनको 15,000 शेयर दिया, और बाकी बैलेंस 3,20,000 कैसे आया, तो टोटल 355, उसमें से 5,000 और 30,000 माइनस करोगे तो बैलेंस 3,20,000 शेयर्स बचते हैं, उनको 4:1 में अलॉटमेंट हुआ, मतलब उनको 80,000 शेयर अलॉट किए, 3,20,000 डिवाइड बाय 4। अगर इसको आप ऐड करोगे 5,000 प्लस 15,000 प्लस 80,000 तो 1,00,000 आ जाता है जितने शेयर हमें टोटल अलॉट करने हैं, ठीक है? तो ये तीन कैटेगरी फ्रेंड्स आप समझ गए ना, पहला कैटेगरी जिनको जो मांगा सब मिला, दूसरा कैटेगरी जिन्होंने 30,000 मांगे बदले में 15,000 मिला, और तीसरा कैटेगरी जिन्होंने 3,20,000 मांगे बदले में उनको 80,000 शेयर्स मिले। नाउ जब भी हम किसी कैटेगरी के बारे में डिस्कस करते हैं, यू फॉल इन टू द शूज ऑफ दैट पर्सन एज इफ यू आर दैट पर्सन हु हैड अप्लाइड। तो
पहली कैटेगरी में जो 5,000 शेयर थे उन्होंने पर शेयर कितना रुपया दिया हमें, 2 रुपया। तो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड 10,000, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 6,40,000। ये कैसे आया? रो नंबर टू, मतलब ये वाला रो, ये सेकेंड रो, मल्टीप्लाइड बाय 2 पर शेयर, तो ये 7,10,000 रुपया हमें मिला है, ठीक है ना। 3,55,000 शेयर पे 2 रुपया। अब इसमें से हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर करेंगे? जितना शेयर हम अलॉट करते हैं उतना ही कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हैं, राइट। तो पहले में 5,000 शेयर, अब इधर लिखा है रो नंबर 3 × 2 रुपीज, क्योंकि आई विल रिपीट दिस, हम कैपिटल में कितना ट्रांसफर कर सकते हैं उतना ही जितना हम अलॉट कर रहे हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी को 5,000 शेयर अलॉट हुए हैं, इंटू टू मतलब 10,000 रुपया हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में। सेकेंड कैटेगरी को 15,000 इंटू टू मतलब 30,000 ट्रांसफर करेंगे। थर्ड कैटेगरी को 80,000 इंटू टू मतलब 1,60,000 ट्रांसफर करेंगे। तो कैपिटल में टोटल ट्रांसफर होने वाला है 2,00,000 रुपया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। मैं ये जो टिक्स है वो निकाल देता हूँ ताकि फ्यूचर में वापस टिक करूँ तो आपको समझ आए सर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, ग्रेट। तो अभी यहाँ पे आप देखो, कैटेगरी वन ने 10,000 रुपए दिए थे और 10,000 एडजस्ट हो गए, तो उनका कुछ भी पैसा एक्सेस कंपनी के पास नहीं है। कैटेगरी टू वालों ने 60,000 रुपए दिए थे, उनको जो शेयर्स मिले वो सिर्फ 30,000 के हैं, मतलब उनके 30,000 एक्स्ट्रा है कंपनी के पास। इधर क्या लिखा है देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, इधर मैं लिख सकता हूं रो नंबर 4 माइनस रो नंबर 5। थर्ड कैटेगरी में 6,40,000 रुपए उन्होंने दिए थे और उनको जो शेयर मिले उसका वैल्यू 80,000 इंटू टू मतलब 1,60,000 है, तो मतलब उनका 4,80,000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको एक्सेस एप्लीकेशन मनी बोलेंगे, इसको ध्यान में रखना। अब मैं एज ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देख रहा हूं कि कैटेगरी वन से मुझे अलॉटमेंट के कितने पैसे लेने हैं। तो अलॉटमेंट में 5,000 शेयर हैं इंटू 5 रुपया, रो नंबर 3, इधर 5 रुपीज होगा, ये मेरा टाइपिंग मिस्टेक है, 5। तो अलॉटमेंट में 5 रुपीज ड्यू है, तो 5,000 इंटू 5 25,000, 15,000 इंटू 5 75, 80,000 इंटू 5 4,00,000। तो इतने पैसे मुझे उनसे लेने हैं, 25, 75, 4,00,000। तो अब मैं कैटेगरी वन में, मेरे पास उनका कुछ भी पैसा नहीं है, तो 25,000 पूरा का पूरा मुझे उनसे लेना पड़ेगा और सभी लोग दे रहे हैं, तो इधर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड में 25,000 आ गया। कैटेगरी टू में उनके 30,000 एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, तो जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करना है, तो 75 मैं मांग रहा हूं, 30 तो मेरे पास है ऑलरेडी, तो 30 एडजस्ट करूंगा। इधर देखो क्या लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, तो 30,000 मैं एडजस्ट करूंगा और ऊपर के 45,000 वो हमें दे देंगे। वापस एक बार, 75,000 लेना है, 30,000 तो उन्हीं के एक्स्ट्रा पड़े हैं मेरे पास, तो अभी 45,000 मैं एक्चुअली उनसे मांगूंगा जो उन्होंने मुझे दे दिया है। थर्ड कैटेगरी में मैं उनसे 4,00,000 रुपए मांग रहा हूं, उनके 4,80,000 मेरे पास हैं, मतलब थर्ड कैटेगरी वाले मुझे कुछ भी नहीं देने वाले हैं, पूरा 4,00,000 मैं एडजस्ट कर दूंगा, उसके बाद भी 80,000 एक्स्ट्रा पड़ा रहेगा जो मैं उनको रिफंड कर दूंगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेड। क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट के बाद भी अगर एक्सेस है तो उस एक्सेस को मैं रिफंड करूंगा। एक और बार रिपीट कर देते हैं सारा का सारा। तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, लेट मी इरेज दिस सो दैट आई कैन ड्रॉ लाइंस अगेन, एंड आई वुड रिक्वेस्ट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको पॉज करके बार रिवाइंड करके बार बार देखिएगा प्लीज। तो मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितना है, 25 है, सॉरी 0 है, 30 है और 480, ये मेरा एक्सेस एप्लीकेशन मनी है, ठीक है। मैं 25,000 मांग रहा हूँ, इनका कुछ भी एक्सेस नहीं है, तो पूरा 25 ये लोग मुझे देने पड़ेंगे। इधर मैं 75 मांग रहा हूँ, 30 एक्सेस है मेरे पास, तो 30 एडजस्ट करके वो मुझे 45 देंगे। इधर मैं 4,00,000 मांग रहा हूँ, उनके 4,80,000 मेरे पास हैं, तो पूरा 4,00,000 एडजस्ट कर दूंगा, फिर 80,000 जो बचेगा मैं उनको रिफंड कर दूंगा। तो अभी सारा का सारा एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट हो गया है।
अब कॉल मनी में मांग रहा हूं, कॉल मनी 7 रुपीज पर शेयर है, विच इज रो 3, दैट इज 5,000 इंटू 7 35, 15,000 इंटू 7 1,05,000 एंड 80,000 इंटू 7 560, एंड एवरीबडी इज पेइंग दैट, सो कॉल मनी रिसीव्ड इज द सेम एज कॉल मनी ड्यू. ठीक है, आइए एंट्रीज देखते हैं. इस क्वेश्चन में हमारे पास तो पूरा जो अमाउंट है ना बच्चों, ये वर्कशीट से ही आएगा. ठीक है, तो डेट है पहला जुलाई 1st, बैंक टू एप्लीकेशन 3,55,000 इंटू 2 दैट इज 7,10,000. सेकेंड एंट्री बहुत इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स, तो सेकेंड एंट्री है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं पूरा डेबिट कर दूंगा 7,10,000, जीरो करना है उसको. अब कैपिटल में कितना ट्रांसफर करूंगा, 1,00,000 इंटू 2 2,00,000 रुपीज ओनली विद द कॉल्ड अप फेस वैल्यू. तो 1,00,000 इंटू 2 मैंने ट्रांसफर कर दिया कैपिटल में. अलॉटमेंट में मैं कितना ट्रांसफर करूंगा, तो जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मैं एडजस्ट करने वाला हूं ना, मैं कितना एडजस्ट करने वाला हूं, देखो इधर लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ अलॉटमेंट, ये रहा 4,30,000. तो उतना अमाउंट मैं एप्लीकेशन से अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दूंगा. वापस एक बार, अलॉटमेंट में कितना ट्रांसफर करूंगा, जितना एक्सेस एप्लीकेशन मनी मुझे मिला है, और मैं उतना पैसा अलॉटमेंट में नहीं मांगने वाला हूं क्योंकि मैंने अपने पास ही रख लिया है वो पैसे. तो वो कितना है, 4,30,000. तो वो मैं एडजस्ट करूंगा एक्सेस एप्लीकेशन के साथ. अब उसके बाद आ जाता है रिफंड. तो जो 80,000 रुपीज़ है वो मैं 80,000 रिफंड करने वाला हूँ, जो एक्सेस बचने वाला है. तो ये आ गया टू बैंक 80,000. सो 2,00,000 रुपया कैपिटल से एडजस्ट हो गया, फिर 4,30,000 रुपया एडजस्ट हो गया अलॉटमेंट के साथ, और फिर रिमेनिंग 80,000 हमने उनको रिफंड कर दिया. ठीक है, तो ये हमारा जो एप्लीकेशन है वो पूरा जीरो हो गया. अब आते हैं नेक्स्ट स्टेज पे, अलॉटमेंट मनी ड्यू. तो ये थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री है, 5,00,000 रुपया अलॉटमेंट में डेबिट किया, कैपिटल में 1,00,000, प्रीमियम में 4,00,000. पूरा का पूरा 5,00,000 कैपिटल में नहीं जा सकता है, ओनली द फेस वैल्यू कैन गो, प्रीमियम शुड गो टू प्रीमियम अकाउंट. अब अलॉटमेंट मनी कितना पैसा मिला हमें, तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड कितना है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इज कितना, 25,000 पहली कैटेगरी में दे रहे हैं, 45,000 सेकेंड कैटेगरी वाले दे रहे हैं. तो अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड इज हाउ मच, 70,000. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 70,000. इफ यू वांट टू क्रॉस चेक अलॉटमेंट अकाउंट, देखो अलॉटमेंट अकाउंट हमने यहाँ पे डेबिट किया है 5,00,000 रुपए से, वो इधर क्रेडिट हुआ है 4,30,000 से, और इधर क्रेडिट हुआ है 70,000 से. सो अलॉटमेंट अकाउंट भी जीरो हो गया है. अब कॉल का एंट्री बहुत ही सिंपल है, कॉल टू कैपिटल 7,00,000 रुपया और बैंक टू कॉल 7,00,000 रुपया. तो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 3 and 4 ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स. यू आर रिक्वेस्टेड टू गो थ्रू दिस क्वेश्चंस इन डिटेल, रिपीट द वीडियो अगेन एंड आस्क मी डाउट्स इन आवर नेक्स्ट मीटिंग. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी ऑन दिस सेशन.